I don't understand. ये कुल्फी पाव भाजी खिलाकर आपको मुझे क्या मिलेगा? लाइफ का मजा है ये. आपको ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है? आई थिंक आपको क्या लगता है मैंने पहले स्ट्रीट फूड नहीं खाया? मिस अग्रवाल, मैंने इतना स्ट्रीट फूड खाया ना, आपने सोचा भी नहीं होगा. तो फिर अब क्या प्रॉब्लम है? अब आप ट्राई क्यों नहीं करते? क्यों आपने जीना छोड़ दिया सर? बोलिए. काम चोर है, काम करने में जोर आता है क्या? खाना चाहिए बस तेरे का. कम ऑन, क्या वो 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 लगा रखे? दूंगा कान पे. ए रुको, अभी बताती हूँ तुम्हें. हेलो जी इंस्पेक्टर, मैं जर्नलिस्ट बोल रही हूँ. आपने कहा था ना कि चाइल्ड लेबर का अगर कोई केस हो तो मैं आपको कॉल करूँ. जी हाँ, एक्चुअली अभी ना मैं एक पाव भाजी के स्टॉल के बाहर हूँ, गोपी पाव भाजी वाला. एंड ये ना एक छोटे से बच्चे से काम करा रहे हैं, मेरे सामने उसे मारने वाला था. गली नंबर 5 जुहू तारा रोड. जल्दी आ जाइए, मैं वेट कर रही हूँ. ओके. अरे मैडम ये क्या कर रही हैं आप? मैं गरीब आदमी मैडम. अच्छा, और वो बच्चा है? एक तो तुम उससे काम करा रहे हो, ऊपर से तुम उसे मारने का लाइसेंस किसने दिया? गलती होगी मैडम, आज के बाद ऐसा नहीं होगा. मैडम आप पुलिस को मत बुलाइए. एक शर्त पर, अगर आप इसे पढ़ने का अलग से टाइम देंगे ताकि उसकी अच्छे से पढ़ाई हो सके. बोलो. एंड मैं यहाँ से चली गई इसका मतलब ये नहीं है कि बात खत्म हो गई. मैं आकर चेक करूंगी, समझे? नहीं नहीं, आज के बाद कोई गड़बड़ नहीं होगी. मैं इसको पूरा टाइम दूंगा पढ़ने के लिए. और हाँ, कभी हाथ भी नहीं उठाऊंगा इसके ऊपर. ओके जाओ. थैंक यू दीदी, ये मुझे बहुत मारता था लेकिन आपने मुझे बचा लिया. तुम्हें पढ़ने का शौक है? हाँ. एक सेकेंड. तुम्हें एक नंबर लिख के दे रही हूँ, यहाँ पे ना मुफ्त में पढ़ने को मिलता है. You know what? मैंने ना किसी को फोन नहीं किया. पर क्या है ना, कभी कभी सीधा काम कराने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती. हाँ समीर. नहीं यार, मैं ऑफिस आया था पर मुझे कुछ काम से आगे जाना पड़ गया. मैं 15-20 मिनट में आ रहा हूं. ओके. कितने पैसे हुए? पैसे तो सर ने दे दिए मैडम. स्कूटी कहाँ है? तो फ्रेश हो जा, मैं खाना गर्म कर देती हूँ. नहीं नहीं मम्मा, रहने दो. एक्चुअली मैंने बाहर खा लिया है तो जरूरत नहीं है. बाहर खा लिया? हमारे बिना? अकेले? क्या खाया? अरे हेलो, डोंट टेल मी पानी पूरी. ओके दी, मैं मर्डर कर दूंगी आपका. ओह गॉड, मैंने तेरी पानी पूरी नहीं खाई, पाव भाजी खाई है. एंड स्टॉप योनिंग, जाओ सो जाओ. गो. गुड नाइट गर्ल्स. गुड नाइट. तो खाना खाया आपने कुकर के साथ? अरे रास्ते में पाव भाजी का स्टॉल देखा, भूख लगी थी तो खा ली. और वैसे क्या फायदा, आदि सर ने तो सूंघी तक नहीं. जानती है सुरु, कोई इंसान जो म्यूजिक को लेकर इतना पैशनेट था एक वक्त पर, आज उन्हें कोई धुन गुनगुनाना भी पसंद नहीं है. आदित्य सर जो एक वक्त पर गिटार उठाकर कितनी सारी नई धुनें बनाते थे, आज कोई भी धुन सुनते हैं ना तो इरिटेट हो जाते हैं, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. मुझे लगता है कि कुछ तो बहुत बड़ा यू नो उनके साथ हुआ है, तभी वो इतना ड्रास्टिकली चेंज हो गए. पर आई डोंट नो वो क्या है.
यू नो, छोटी बात नहीं लगती है। ऐसा लगता है कुछ तो है जो उन्हें अपनी लाइफ से अटैच होने से रोक रहा है, कोई फियर या कोई वीकनेस, आई डोंट नो क्या है ये। निशा, समीर उसका जो बिहेवियर है ना आजकल, इसलिए डाउट हो रहा है मुझे उसमें। ऐसा क्या हो गया, अचानक बदल गई वो? आज जो उसने किया ना, दैट वाज अनबिलीवेबल। आई एम श्योर अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर ना कुछ घटिया प्लान कर रहे हैं, और ये ड्रामा ना सब उसी का हिस्सा। समीर, आई नीड टू नो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, सो दैट आई कैन स्टॉप। पहले कम से कम जो करती थी सामने करती थी, पर अब जो कर रही है ना, दैट्स डेंजरस। आई डोंट नो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो सेफ प्ले कर रही है, आई हैव नो आईडिया। देख आदिब, अगर वो सेफ प्ले कर रही है तो तुझे भी उन्हीं के तरीके से फाइंड आउट करना होगा। मतलब पति, अब तो आपसे अच्छे से बात करते हैं, राइट? तो आप डायरेक्टली पूछ लो ना उनसे। रियली? अरे वो ठीक से बात करते हैं मुझसे, पर उनका बेसिक ट्रेड तो वही है ना, कुकर कब गर्म हो जाए पता ही नहीं। बट यू नो, इनडायरेक्टली तो मैं कोशिश कर रही हूँ। आज का दिन वेस्ट हो गया, बट टुमारो इज अ न्यू डे विद न्यू एफर्ट्स। एंड आई जस्ट होप कि न्यू रिजल्ट्स भी मिले, एंड आदित्य सर की लाइफ की जिग्सॉ पजल है ना, वो भी सॉल्व हो जाए। तेरी सारी प्रॉब्लम, सारी कंफ्यूजन का सॉल्यूशन है मेरे पास। देख, इस बार निशा अगर इस ड्रामे में तुझसे कुछ छुपा रही, तो एक बात तो श्योर कि तुझे पता चलते ही साथ निशा का प्लान फेल हो जाएगा। दिस टाइम तुझे मिस्ट्री सॉल्व करना और भी ज्यादा जरूरी है। समीर, दैट्स व्हाई आई एम सो स्ट्रेस्ड। कैसे पता करूं, क्या करूं? देख, मेरे पास एक आइडिया है, बट मुझे पता है कि तुझे पसंद नहीं आएगा। बट जस्ट लिसन टू मी, मेरी पूरी बात ध्यान से सुन ले, देन ओनली रिएक्ट। जस्ट मैं कुछ सोच समझ के बात कर रहा हूँ। बोल। देख, अपने कमरे में एक वीडियो रिकॉर्डर लगा। What? तू पागल हो गया क्या? आदि, मेरी पूरी बात तो सुन ले यार। समीर, I can't do this. This is beyond my dignity. Spy करूं मैं उस पे? आदि, तू किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करेगा ये। सिर्फ अपनी फैमिली को किसी बड़ी प्रॉब्लम से बचाने के लिए, you have to know कि निशा आखिर प्लान क्या कर रही है। For your family, you have to do it. और तेरे इंटेंशन यार निशा को स्पाई करने के नहीं, सिर्फ अपनी फैमिली को किसी बड़ी प्रॉब्लम से सेफ गार्ड करने के लिए। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई बुराई है यार। Adi, just trust me on this. जानती है स्वरूप, कोशिश करने में ना कोई बुराई नहीं। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आदित्य सर को ना उनके शेल से निकालना बहुत जरूरी है। एंड मैं दिल से ये करना चाहती हूँ। लिसन, जस्ट प्रे दैट कि मैं जो भी चाहती हूँ ना, बस अच्छे से हो जाए। काकी माँ प्लीज, ये पहले के जमाने में होता था कि घर की लेडीज 12 बजे के बाद कुछ खाती थी, सबका ध्यान रख के, सबको खिला पिला के। ये आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है काकी माँ। नहीं नहीं बिन्नी, सुबह सुबह मारे से खा ही नहीं जाएगा। नहीं, थोड़ा तो कुछ खाना पड़ेगा। दो बिस्किट ही ले लीजिए, और ये मैंने आपके लिए चाय बनवाई है, थोड़ा सा पी लीजिए, फिर 10 मिनट के बाद आप ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा। हमें नए डॉक्टर के पास भी जाना है ना, जरा ओपिनियन तो ले कि आपकी ओल्ड मेडिसिंस वर्क क्यों नहीं कर रही है। नया डॉक्टर क्यों? डॉक्टर अस्तोगी हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। मैं जानता हूं मेडिसिंस काम क्यों नहीं कर रही। क्योंकि आप खा ही नहीं रही हैं काकी मां। आपके ड्रॉर से लाए हैं बॉटल, सील्ड है, आपने एक गोली नहीं खाई। नहीं आदि, मैं तो दोनों समय की गोलियां खा रही हूं। निशा बिन्नी रोज देती है, अगर मैं भूल जाऊं तभी भी। आदि, आर यू सीरियस? तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है कि मैं काकी माँ को टाइम पर दवाई नहीं दे रही? ये बॉटल जो तुम्हारे पास है, ये नई बॉटल है, एक्स्ट्रा मंगाई थी मैंने। मैं एक बॉटल मेडिसिन की हमेशा अपने पास रखती हूँ, ताकि काकी माँ को टाइम टू टाइम मेडिसिन दे सकूँ। बट सी ना, पूरी बॉटल खत्म हो गई है, लेकिन उनका बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा, इनफैक्ट हायर साइड पे है। इसीलिए मैंने सोचा कि सेकंड ओपिनियन के लिए जाना चाहिए। आई थिंक यू आर राइट निशा,
एक काम करते हैं, आज डॉक्टर के पास मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है? जीते रहो बच्चों, इतना ख्याल रखते हो तुम लोग महारा। मैं ये रख के आता हूँ। I'm sure तुम काकी माँ को दवाई देने में भी गड़बड़ कर रही हो। How could you, निशा? मुझे वही करना होगा जो समीर ने बोला है। No, I can't do this. This is not me. For your family, you have to do it. यार तू किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करेगा, बल्कि अपनी फैमिली को किसी बड़ी प्रॉब्लम से बचाने के लिए यू हैव टू नो कि निशा आखिर प्लान क्या कर रही है। आई डोंट थिंक सो, इसमें कोई बुराई है यार। खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है। अब अपने आप से मिलने के लिए रेडी हो जाइए। मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही, किसी के लिए कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता। I hope इसका कोई रिजल्ट निकले यार। ठीक है, I'll call you back. तो होता रहेगा यार, खेलते हैं ना। हाँ भैया, अपॉइंट साहब हारे भी नहीं है। दिस इज नॉट डन भैया। अरे क्या हो गया यार, गेम में तो चलता रहता, बी अ स्पोर्ट, चिल। देख, जिंदगी का मजा तभी है जब आप जिंदगी हार के भी मुस्कुराते रहो। नहीं समझे? समझा?
बिफोर जब आप थे हैप्पी गो लकी, आफ्टर आज आप कोई और हैं। फुलाए ऐसे जैसे पूरे जमाने की टेंशन सिर्फ आपके कंधों पे आ गई हो। भगवान ने हंसी को दिल से जोड़ा है, आप हंसेंगे खुश रहेंगे तो आपका दिल भी हेल्दी रहेगा। प्लीज ट्राई, टेक केयर। आप सरप्राइज हो गए होंगे ना कि ये सारी पुरानी पिक्चर्स कहां से आ गई। वो मैंने ना स्टोर रूम मैंने बस अरेंज कर लिया। उसमें ना इंटेंशन ये था कि मैं आपको आपसे मिला सकूं। एंड उसके लिए मैंने आपके कुछ पिक्चर्स भी क्लिक किए ना। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट आपने देखा होगा ना, यू कैन सी द डिफरेंस कैसे इन पिक्चर्स में आप बिल्कुल एकदम मुरझाए हुए से उड़े हुए से लग रहे हैं। एंड इन पिक्चर्स में जस्ट लुक एट देम एंड इन फैक्ट ये बिल्कुल हीरो टाइप लग रहे हैं आप। आई मीन आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। दीज ऑल्सो यू नो सर, आप ना दिल के बहुत अच्छे हैं, बट आपका फेस है ना दिल की बात को बाहर नहीं आने देता। अगर आपका दिल कहता है वेलकम तो फेस कहता है गेट आउट। अब ऐसे में किसी को भी ऐसे बॉस के साथ काम करने में कैसे अच्छा लगेगा। तो फिर मुझे लगा कि एज कंपनीज लीडर आपके रूम को आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए ना। तो मैंने सोचा आपके पूरे रूम को ना मैं रीवैम्प कर दूं। एंड इसको मैंने बहुत ही कूल सा चिल्ड आउट आदि सर का रूम बना दिया। अब आपका रूम ऐसा हो गया है तो आप भी जल्दी से ऐसे बन जाइए ना, फुल ऑफ लाइफ। एंड वैसे भी किसी ने मुझसे कहा है अगर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लानी हो ना तो उसके बीते कल के ऐसे हिस्से बार बार उसके सामने ला जिसे देख कर वो खुश रहे, उससे वो बिल्कुल मुस्कुराने लगते हैं। ये फोटोग्राफ्स आपके उन्हीं बीते कल के हिस्से हैं। ओके बच्चा, कैसा लगा आपको? मेहनत लगी है, दो वर्ड में भी बोलेंगे ना तो भी चलेगा। हाउ डू यू लाइक इट? यू आर फायर्ड। फायर्ड। व्हाट? लीव। बट सर आई जस्ट आई सेड लीव। गलत बात तो है, ऐसे कैसे कोई बॉस की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर सकता है, वो भी आदित्य सर की। लगता है इसको अपनी जॉब कुछ ज्यादा पसंद नहीं।
चंदू जी सर